सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज बताने जाऊंगा कि M500 जो है पिस्तौल, ठीक है, आप इजीली हेड कैसे मार सकते हैं। ज़्यादातर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो गाइस, आपका क्या है M500 पे, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स का, यूट्यूबर्स का, मतलब एक शॉट खींचा तो ही लगता है, क्योंकि उनका हाथ गाइस बैठा होता है, मतलब गेम में बैठा होता है। मतलब अगर उनका हेड के पास, मतलब गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हेड के करीब एम करके रखना है M500 से। और मैंने इसमें कोई भी मॉन्टेज नहीं ऐड की, मॉन्टेज बनाया, मतलब सिर्फ हेड शॉट का मैंने पूरा गेम प्ले दिखाया है कि कैसा, मतलब कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका हेड पे एम रहेगा, हेड के पास में एम रहेगा और आप ड्रैग करते हो, यार एक दो बार मिस, दो तीन बार मिस होएगा फिर लगेगा। देखा, मेरा ऐसा ही लग रहा है। देखो, एक दो बार मिस होएगा फिर लगेगा। देखा, ऐसा थोड़ा, मतलब इसमें बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। तीन बार मिस होएगा फिर लगेगा। मेरे को तो पहले बिल्कुल नहीं आता था हेडशॉट मारना, अभी मैंने सीखा है। कुछ नहीं है, सिर्फ हेड पे एम थोड़ा बहुत पास में आना है और फिर ड्रैग करना है। मतलब सोचो, ये लोग मुझे शॉटगन से मार रहे हैं और मैं इन्हें पिस्तौल से मार रहा हूँ। अगर मेरे पे शॉटगन होती तो क्या करते। देखो, रनिंग में हेडशॉट, मतलब मूवमेंट कर रहा था तभी हेड लग गया, सीधा भाग नहीं रहा था। और कभी कभार आपका एम हेड पे होगा सामने लेके और हेडशॉट नहीं लगता है, तो मतलब इसमें रिकॉइल है। अगर इसमें रिकॉइल नहीं होएगा ना, तो जिन जिन का हाथ बैठा हुआ है वो भी M10 राइस स्टार विंसन जो जैसे प्लेयर बनेंगे, एक एक गोली है। तो मैंने इसमें बीच में एक सेकंड स्किप किया था, कुछ काम था इसके लिए। तो यहाँ पे और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी मूवमेंट ऑफ स्पीड। और मैं एडम लेके खेल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मतलब ये हो पाए। नहीं तो कोई बोलेगा भाई तुम्हारे पास, तुम ये DPI कुछ नहीं है, ईजी हेडशॉट से। नहीं तो कोई बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छी कैरेक्टर स्किल है, और भाई पहली बात बता देता हूँ, कोई अच्छी नहीं है। मैं एडम लेके खेल रहा हूँ, वो एक हफ्ता हो गया कम से कम, मैं एडम ही लेके खेल रहा हूँ। और सॉरी गाइस, इतने टाइम तक वीडियो नहीं आई, डिले हो रहा था, बट अभी मैं देखूँगा 3-4 दिन पे एक दो वीडियो डालने का देखता हूँ अभी। सो ईजी है गाइस हेडशॉट M500 से। और मैंने इसमें बिल्कुल भी मॉन्टेज नहीं किया सिर्फ हेडशॉट के, मैंने पूरी वीडियो डाउनलोड, मतलब वीडियो बनाई और फिर मैंने डाली है, मतलब डाउनलोड नहीं की, ठीक है। मेरा नाम देख सकते हैं हेडशॉट मारने पर आ रहा है। और ज़्यादा है कुछ भी नहीं, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं, बस सिंपल। देखो, मेरा फिंगर का ये भी देख सकते हो। तो मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि DU रिकॉर्डर में ऐसा, मतलब उसमें आवाज़ तो आती है बट वो दिखता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, बट मेरे फ़ोन में एक ऐसे रिकॉर्डर है जिसमें रिकॉर्ड तो होता है, वो दिखता नहीं है। वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्डर है रियली में बताओ तो। पहले मेरे को एडिटिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, अब इतनी अच्छी एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे। सो मतलब यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देख देख के और कुछ नहीं ज़्यादा मेरे को, मैं लगते ही कभी कभार लगेंगे नहीं आपको हेडशॉट। और देखो गाइस, एकदम शॉर्ट रेंज में ऐसे आपके हेडशॉट बिल्कुल नहीं लगने वाले, क्योंकि M500 बहुत रिकॉइल करने वाली गन है। सो शॉर्ट रेंज तो होएगा नहीं, और एकदम लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज में तो होएगा नहीं, मिड रेंज में M500, थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंज में, एकदम लॉन्ग रेंज में तो बिल्कुल नहीं होएगा हेडशॉट। और लॉन्ग रेंज में थोड़ा बहुत तो होएगा, और मिड रेंज में भी होएगा। सो इतना ही था ज़्यादा, नहीं तो बेफिकट कैसा, मतलब नहीं तो बोल मत देना कि भाई गलत ट्रिक बता रहे। कोई गलत ट्रिक नहीं बता रहा गाइस, सच्ची में जितना मेरे को आता है उतना बता रहा हूँ। तो इतना ही, और कुछ नहीं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके कॉल पे सेट कर देना। यार ये लोग M187 यार, ये लोग पिस्तौल से नहीं मार रहे।
देखो इस मैंने इसमें कितने हेड मारे, थोड़े बहुत किल ले रहेंगे इसे बॉडी शॉट में, बट ज़्यादातर मैंने हेड ही मारे, सही मैं बता रहा हूँ। कभी कभार मेरा डिफ़ॉल्ट एम इधर उधर जाता है तो मैं ऐसे मर जाता, और मेरे पिन भी अच्छे नहीं चल रहे थे, मतलब 17 के पिन नहीं, मतलब एक थोड़े बहुत पिन ऐसे इधर उधर चल रहे थे, तो ऐसा इतना ही। और मैं नया मतलब अगला जो वीडियो रहेगा वो M500 के ही हेडशॉट्स रहेंगे, और ऐसा मत बोलना कि अब भैया क्लैश कॉड में सब रिकॉर्ड के लिए, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग में ही मार सकते हो, यानी क्लैश कॉड में मार सकता हूँ, बट मैं अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ ट्रेडिंग में हेडशॉट्स के, ताकि वीडियो भी बन जाए, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। देखो पिन हाई जा रही थी, हेड मारा फिर भी नहीं मर रहा था, बट 17 की 17 पिन तो फिर भी किया, पता क्या होगा। सो मैं क्लैश कॉड रैंक गेम, मतलब आज ही मैंने 3 बूहा मारे हैं, 3 मतलब डुओ वर्सेस स्क्वाड मेरे दोस्त के साथ, बहुत ही अच्छा खेलता है, AWM तो ओपी चलाता है। सो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभार मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो इसमें वॉइस ओवर करता हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यार व्यू इतने अच्छे आते हैं यार, लाइक तो भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सो इधर तो भाई हेड ही हेड लग रहे थे, देख लोगों को आराम से हेड दिया, इसको तो मैंने बॉडी शॉट डाला था, पता नहीं मैं इतना दिनों तक गाइस में माइनक्राफ्ट ही खेल रहा था, ठीक है। सो माइनक्राफ्ट ही खेल रहा था तो मेरे को फ्री फायर खेलने का टाइम नहीं मिला, बहुत टाइम होगा मैं माइनक्राफ्ट, तो गेम थोड़ा बहुत हाथ बैठ नहीं रहा था, तो मैं इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग खेल रहा था और ट्रेनिंग का ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही अपनी रैंक गेम की सोलो से स्क्वाड, डुओ से स्क्वाड, फिर ऐसे स्क्वाड विस्क्वाड सब बता दूँगा, और मेरी कस्टमाइज HUD भी मैं बात अगले इसमें बता दूँगा, मेरा M500 का जो मॉन्टेज वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। अरे नहीं नहीं गुरुवार नहीं, अभी भी है, बहुत बड़ी वीडियो बनी है 8 मिनट की, पता नहीं थी कैसे, मैं अपना गेम में बिजी था, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, तो ज़्यादा है कुछ नहीं। और गाइस मतलब ये मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, मतलब व्यूज़ तो बढ़ते ही हैं, बट यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, मतलब मेरी पहली वीडियो पे इतना अच्छी व्यूज़ आए यार, इतने अगर सब्सक्राइबर्स होते तो कितना मज़ा आया था, कुछ भी मतलब वो तो भाई बहुत ही अमेजिंग होता। सो प्लीज़ आए हो यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना, तो इतना मतलब इतना ही, तो अभी मिलते बाद में मिलते, और मैं मतलब फास्ट ग्लू वॉल कैसे डाल सकते हैं, सेटअप ग्लू वॉल कैसे डालते हैं, उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। सो तब तक के लिए बाय बाय।